नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक मधेपुरा न्यूज में। खबर सहरसा से है, जहां बनगांव थाना अंतर्गत बरियाही बाजार में स्थित कपड़ा दुकान में घुसकर बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने 50 वर्षीय दुकानदार प्रहलाद कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि गोली उनके सिर में लगी है, जहाँ उन्हें इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मरीज का हालात बहुत ही नाजुक स्थिति में है। वहीं घटना स्थल पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने बताया कि हम लोग अपराधियों का पता लगाने में जुट गई है, और वहीं पर मौजूद लोगों ने बताया कि गोली की आवाज़ सुनकर हम लोग जब तक पहुंचे अपराधी फरार हो चुका था। इस घटना को लेकर सदर SDPO संतोष कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बरियाही बाजार में कपड़े की दुकान है, शंकर गुराखी 50 वर्ष उम्र है, किसी ने गोली मार दिया, सिर में गोली लगी है, चल रहा है, हमारी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है किसने मारा है, क्यों मारा है, क्या स्थिति है सर पेशेंट की, वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। सिर में गोली लगी, क्या विवाह, पूर्व से विवाह था सर? नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई लोगों के घर वाले ने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी तफ्तीश जारी है, गोली मारने का कोई तो कारण हो सकता है। पेशेंट की स्थिति बहुत नाजुक है, जब माथे में पेराइटल बोन होता है वहाँ डायरेक्ट जो है गोली लगी है, माथा के अंदर है कि कहीं इस साइड के दूसरे एंग में घुस गया है, तो इससे और पेशेंट बहुत रेस्टलेस है, इसको हायर सेंटर के लिए हमने रेफर कर दिया है, लेकिन मरीज अभी भी खतरे में है, उसको खतरे से बाहर नहीं समझा जाएगा।